हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल टुडे अप्सरा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आप लोगों के शुभ दिन का स्टार्ट करवा रही हूँ। देख सकते हैं किस चीज़ से इतनी खुशखबरी, इतनी अच्छी चीज़ मिल जाए घर में तो और क्या चाहिए। और आज है स्वामी अमावस, जिसका मैं आज आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये हम और हमारे हस्बैंड जी और ये हमारे बच्चे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग आपका कैसा लग रहा है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे मैं तैयार होकर चल रही हूँ पार्क। पार्क पहले चल रही हूँ, सुबह शमी अमावस के पूजा करके आ गई थी जब बच्चे सोए थे। मैं इसीलिए बस एक क्लिप दे दी आपको ताकि मुझे भी याद रहे और आप लोगों को भी। और यहाँ पर देखिए, एक जंगल में खरगोश बैठा हुआ है जो कि पोसा हुआ ही है, लेकिन जो मेरे घर में पहले ही आप लोग देखे। उसके बाद मैं शाम को चल दे रही हूँ बच्चे को लेकर के पार्क में घुमाने के लिए। तो इसको पार्क नहीं बोलेंगे, ये है एक जो प्लाट नहीं कर जाता है घर बनाने के लिए, वैसा जगह। ज़िंदगी तो बहुत लंबी है, लेकिन उसको संभालना, उसको बचा के रखना हमारी ही ज़िंदगी है। तो जब भी हमें टाइम मिले ना, उसमें खुश रहना सीखिए। ऐसा नहीं कि हम दुखी हो जाए और उसमें परेशान रहे, हरदम हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। देखिए इस फूलों के जैसे कहीं खिला है और कहीं नहीं खिला। तो गम तो हमारे ज़िंदगी में है ही, लेकिन उसको खुशी में बदलना हमारी ही काम है। ये नहीं कि जब भी कोई काम ना हो मुंह फुला के बैठ जाए, थोड़ा सा एंजॉय तो करना चाहिए। तो लीजिए, बच्चे के साथ मैं भी बचपना अपना याद कर ले रही हूँ। कभी मैं भी छोटी सी थी तो क्रिकेट गेम। अच्छा, आप लोगों के बचपन का खेल कौन सा था ज़रूर बताइएगा। मेरा बचपन में मैं बहुत सबसे ज़्यादा दौड़ने में क्या करती थी, मैं दौड़ते दौड़ते सुई लगाने वाला धागा होता है ना, वो वाला गेम खेला करती थी। और दूसरे में मुझे रस्सी कूदने वाला, जिसे लफन डोरी कहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा पसंद पड़ता था। साथ ही साथ मैं कबड्डी भी बहुत ही अच्छे से खेल लिया करती थी और सबसे नंबर वन पे आती थी। तो प्लीज़ आप लोग अपना खेल बताइएगा कि आप लोगों का खेल सबसे बेस्ट क्या था। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, दीदी आंटी हैं, मैडम जी हैं, जो भी हैं, बहुत सारे लोग घूम रही हैं। और ये इतना बड़ा प्लांट कटा हुआ है ना, इसको सेक्टर कटा हुआ है इस साइड में। तो चलिए आइएगा, आप लोग को भी रहना है तो यहाँ पे खरीदने के लिए। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ कि इधर प्लांट कटा हुआ है, आ जाइए ले ले। जिनको जिनको रहना होगा ना हरियाणा में, वो आ जाए। तो गाइस देखिए, इधर बच्चे खेल रहे हैं। मैंने इनका विकेट खड़ा कर दी, विकेट खड़ा कर दी और मैं काटूंगी चक्कर, यानी कि रेस लगाऊंगी और बच्चे खेलेंगे अपना क्रिकेट। तो मैं चल दी रेस लगाने और ये लोग अपने खेल रहे हैं। तो इनको कर दी मैंने बाय बाय और चल दी। रास्ते में गई तो इतने अच्छे जो आंख होते हैं ना, उसका फूल दिखा कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद हम सब घर पे आ गए और बच्चे के साथ जो खरगोश है ना, इसके साथ हमारे बच्चे खेल रहे थे। खूब इसको कुदा रहे थे, उठा रहे थे। और एक दो चार दिन के लिए हमारे पास मेहमान बन के आया है और अभी हम सब इसको बहुत ही अच्छे से देख कर रहे हैं। और इतना अच्छा लग रहा है ना देखने में, क्या बताऊँ। ये देखिए कितना प्यारा सा है, ब्लैक और वाइट कलर का है, जिसकी आंखें देख के आपकी भी आंखें चमकने लगेगी, इतना ये प्यारा दिख रहा है। तो चलिए, नाइट हो गया है, मैं कुछ नाइट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। नाइट में क्या बनाई क्या खाई, सबसे पहले मैंने दे दी मेथी के फ़ौरन। मेथी के फ़ौरन देने के बाद मैंने डाल दी तेल। तेल डालने के बाद अच्छे से इसको चटकने दी। उसके बाद आधी टुक तेज़पत्ता डाल दी, थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी प्याज, आधी आधी, और एक लाल मिर्च डाल दी, क्योंकि ये है टमाटर की चटनी। और इस तरह से आप टमाटर की चटनी बनाएंगे, आपके भी बच्चे मांग मांग के खाएँगे। उसके बाद मैंने डाल दी हल्दी, क्योंकि रात के खाना में बार बार कहती हूँ, जब भी रात के खाना बनाए उसमें हल्दी ज़रूर ऐड कीजिए। उसके बाद मैंने डाल दी इसमें नमक। नमक के बाद इसको फिर से अच्छे से ढक दूँगी और ढकने के बाद मैंने सारा सामान इसको जचा दे रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, बार बार हम एक एक सामान उठाते रहते हैं, ढकते रहते हैं और यहाँ पे हो जाता है बहुत मुश्किल। तो मैंने आके कपड़े चेंज कर ली हूँ, उसके बाद किचन में लगी हूँ खाना बनाने के लिए। पहले मैंने हाथ पैर धो के जोत लगा दी, जो कि मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर की हूँ, जिसके लिए छोरी। तो यहाँ पर देखिए मैं किचन में लग गई हूँ काम करने के लिए। और यहाँ पे बच्चे हैं जो मस्तियाँ कर रहे हैं कि मम्मी ऐसे करो ना थोड़ा ऐसे। तो यहाँ पे मैं कैमरा लगा दी हूँ और उसके बाद मैं काम करने लग रही हूँ। ये चना भिंगो के रख दे रही हूँ सुबह के लिए। और यहाँ पे मूंग धो के भिंगो दी, उसके बाद ये अंकुरित हो जाएगा कल तक। तो मैं आपको कल दिखाऊँगी कि इसको कैसे खाया जाता है और कैसे मैं खाती हूँ, हमारे बच्चे खाते हैं, जिससे हमें बहुत सारा
पोषक तत्व मिलता है जिससे हमें बहुत सारा कैल्शियम मिलता है। और इधर मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दी हूँ, तो इधर तब तक हो रहा है। इसमें 4 दाना चीनी डाल दी। आप सोचेंगे 4 दाना का के भी 25 दाना डाल दी, तो सच में 4 दाना के बाद मैंने 25 दाना ही चीनी डाली थी। तो इस तरह से हमारा काम जो हो वो चलता रहता है। और मैं ये चाय पत्ती आपको इसलिए दिखा रही थी कि मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन क्या है ना कि पत्ती खरीद के रखना भी पड़ता है, कई बार लोग आ जाते हैं तो बनाना पड़ता ही है। तो मैंने यहाँ पे चाय के पत्ती लगा दी और बच्चे के दे दी टमाटर के चटनी और आलू के सब्जी और यहाँ पे दे दी रोटी गर्मा गर्म। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये कट गया है, मैंने कब आलू की सब्जी बनाई आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो चलिए आगे दिखाती हूँ कैसे बनता है आलू की सब्जी। और यहाँ पे देखिए बच्चे मौज मस्ती से खा रहे हैं और कुछ मुझसे भी बातें कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर से मैं बता दूँ कि एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिएगा। पापा आ गए थे इनके।